जय गणेश। मैं हूँ नरेश खत्री, एस्ट्रोलॉजर अहमदाबाद गुजरात से। और 12 मई 2023 को जो वृषभ मेष राशि में कृतिका नक्षत्र में जाने वाले सूर्य है, ये मेष एवं वृषभ में चलेंगे 25 तारीख तक। और ये ट्रांजिट जो कृतिका नक्षत्र के सूर्य है, ये 3 नंबर की राशि मिथुन राशि वाले जातकों को कैसा फल देने वाले होंगे, इसके बारे में है आज का ये प्रेडिक्शन। तो सबसे पहले तो आप सबको बता दें कि जो 15 तारीख तक सूर्य हैं, आप सबके लिए लाभ स्थान के अंदर हैं। लेकिन 15 मई से लेकर 14-15 जून तक जो सूर्य है आपकी राशि से 12वें स्थान में चलने वाले हैं। वृषभ में सूर्य जब चलेंगे 12वें स्थान में, तो मेन एनर्जी का 12वें स्थान में जाना शुभ नहीं होगा। गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में, खुद का हेल्थ, फादर के साथ रिलेशन, ये सब केयर करना होगा। और नक्षत्र ट्रांजिट देखें तो जो ये कृतिका नक्षत्र में चलने वाले सूर्य हैं, मिथुन मृगशिरा के लिए मित्र नक्षत्र में है, मित्र तारा में है, तो फिर भी ठीक ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अशुभ फल मिलेगा जिनका जन्म का सूर्य या चंद्र आर्द्रा नक्षत्र में है, ये जातकों को सबसे ज़्यादा तनाव मिलने वाला है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार का जो स्ट्रेस है, तनाव है, ये आपका बढ़ने वाला है जिनका भी जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है। तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्म कब होता है, जनरली सूर्य कब होता है फ्रेंड्स, एवरी ईयर हर साल 22 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में जन्मे हुए तमाम जातकों के जो सूर्य हैं वो आर्द्रा नक्षत्र में होते हैं। तो ऐसे कोई जातक है कि जिनका जन्म 22 जून से 5 जुलाई के बीच में हुआ है, ऐसे आपके कोई मित्र हैं, इनको ये प्रेडिक्शन आप जरूर शेयर करें, क्योंकि आने वाला जो समय है इनके लिए खुद का हेल्थ, फादर के साथ रिलेशन, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर, ये सब के बारे में सबसे ज़्यादा केयर करना होगा जिनका भी जन्म का नक्षत्र आर्द्रा है। तो मिथुन पुनर्वसु के लिए फल क्या होगा, सूर्य साधक नक्षत्र में चलने वाले हैं, तो साधक नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं से कुछ आपको सिखाने वाला होता है, ज्ञान देने वाला होता है। तो ये जो ट्रांजिट है सूर्य का, आपको मित्रों से लाभ करने वाला है, सरकार से लाभ करने वाला है, पिता से लाभ करने वाला है, एब्रॉड की गवर्नमेंट से भी लाभ करने वाला है। तो मिथुन पुनर्वसु जातकों के लिए इसका फल ठीक होगा। भले सूर्य 12वें स्थान में है, लेकिन इतना ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा, तो ये ट्रांजिट आपके लिए ठीक है। आप देख रहे हैं कि राशि एक ही है, लेकिन नक्षत्र बदलने के कारण प्रत्येक नक्षत्र वाले जातकों का फल बदल जाता है। तो यदि आप सबको मालूम नहीं है कि आपका राशि और नक्षत्र क्या है, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस आप व्हाट्सएप करके आपका राशि और नक्षत्र जान सकते हैं। नमस्कार। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं।